अरे यार मोनू भाई, आज अपने सेठ की दुकान पे नहीं गया मैं, घर पे मेरा मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अरे यार पुष्पेंद भाई, यार परेशान क्यों हो रहे? चलो आ, मैं तुम्हें अपने गांव घुमाने ले चलता हूँ, एक से एक फंटास्टिक लौंडिया दिखाऊंगा यार। चलो ठीक है चलते। अरे यार मोनू भाई, ये लोग भी यहीं पर हैं क्या? अरे यार इन लोगों को, ये लोग भी बहुत परेशान थे भाई, इन लोगों को भी घुमाने वहीं ले चल रहे हैं, थोड़ा क्या इन लोगों का भी एंजॉय हो जाएगा, तो अपन चल रहे हैं। चलो ठीक है तो चलते हैं, घुमाओ भाई। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, बैठो। चलो ठीक है। आस की मैं चूर हो गया छोरा काल का, बुढ़ा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का। आस की मैं चूर हो गया छोरा काल का, बुढ़ा। ठीक है भाई, गाड़ी रोको, प्यास लग रही यार बहुत जोर से। दीवार क्या मस्त लोग आए यार। चेहरा कवल है, बात गजल है, खुशबू जे क्या भाभी दिया मजा आज, पानी पी लेता ना, प्यास तो वैसी लग रही बहुत जोर से। मैं लौंडिया देख के जरूर पाए प्यास लग। अरे गर्मी को मौसम में प्यास नहीं लगे तो फिर का होगे। चलो यार फिर भी भौजी तना पानी तो पियाओ, प्यास लग रही बहुत जोर से। मैं अन्य आदमी को पानी नहीं पिलाती। अरे भाभी जान पहचान तो होती रहेगी, पानी तो पियाओ तो प्यास लग रही। सुपर हसीना तान के सीना निकरे जब गलियारन से, सुपर हसीना तान के सीना निकरे जब। अरे यार सचिन भाई, जब मोनू ने अपन को बोला है कि गांव में चल रहे हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे आइटम दिखाने वाले हैं वो, लेकिन तुम इतने जल्दी यार गाड़ी छोड़ के उतर के आ गए। अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आते हम। तुम्हें यार मोड़ी देखा तो बहन जी लोग आई देखा, तुम्हें समझ में नहीं आते यार, तुम हर जगह पागल हो जाते। लेकिन माल एक नंबर का है यार, हर समझ में यार भाई यार जी कुछ नहीं था यार, मेरे साथ चलना तो मैं कहूं और दिखाऊंगा तुम्हें। प्यास लगाई थी तो वो भैया जब वो भूल लो तो यार चलो यार। अरे ये बात कम से कम नहीं होती, ये भाई बहुत फटाका थी भाई, पर रोटी दबी तो ऐसी लुगाई दिखानी का समझ में नहीं आई कैसे। अच्छा हाँ कहा क्या है? जा कह रहा है बिल्कुल सीधी उन्हें पहुँच ही गए थे हम है। तो देखो सुबह तुमने की ढुकज्जा। अच्छा हाँ कहाँ बात कर रहे भाई? अरे भाई विश्वास नहीं है का भाई, मेरे सपने में भी यार ऐसी भाव आज रात में यार। भाव यार मेरे सपने में तो सनी लियोन आई। सनी लियोन भाई मैं क्या बताऊँ यार, ऐसा माल दिखा, ऐसा माल दिखा भाई, ऐसा नजारा गाँव का कुछ नहीं है यार। अब क्या कर लेंगे गांव में, आँख खुली तो बस रहेगा ऐसे। हमें भी बहुत सपने आते हैं, पता नहीं सपने में का दिखा तो आग लग गया, हमें तो समझ में नहीं है तो क्या करें। मोनू भाई को सपनों के नहीं जा, तुम उनके 10 सेकंड में सपने खत्म हो गए यार, इतने घंटन के हिसाब से सपने चलत, तुम रात भर सोए हो 10 मिनट 10 सेकंड में तुम्हारे सपने हो गए। अब हम तुम्हें अपने सपने की का कहानी सुनाए भज्जा रो। तनक बना बताओ तो यार तनक। अरे अब का बताएं, सोला बताएं, जब पैसा तो मिले भज्जा रो, जब बताएं। अरे बताओ तनक बताने यार भज्जा, जब ऐसा नहीं हो बताएं भज्जा यार। यार तुम लोगों तो कम से कम सपने आते ही आते हैं, मेरा सेठ तो इतना बेकार है, इतना बेकार कि अगर सपना आए भी तो सेठ का ही आता है कि सेठ ने इस माया की तनखा नहीं दी। वो कुछ आता ही नहीं है सपना, सेठ ही का डर इतना मतलब मन में बैठा है कि रात में सपने भी आते तो सेठ के आते हैं कि भाई सेठ ने इस माया की तनखा नहीं दी, टाइम पे नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे तो सेठ का डर लगा रहा है। तो एक काम करो साहब, तुम सेठ को पेल दो। अच्छा ऐसे ही तरीका है ना, तो हम लोगों को साथ लो आ चलो। अगर सेठ तुमसे कछु गए तो हम उनको बता दो, हमें बताओ तो हम बताएं सेठ का, सेठ को हम पेल दें। सेठ की मोड़ी नहीं है। नहीं नहीं चलो ठीक है, लेकिन यार भाई कुछ भी कहो, तुम लोगों के साथ आने से आज का मन बिल्कुल खुश हो गया, बहुत मजा आ गया, दिन ऐसे निकल गया। तो शुरुआत है अबे, देखा अबे तो कछु नहीं है, दिन हम तो ऐसे निकल गए, ऐसा दिन तो मेरा दुकान पे निकलता ही नहीं था। बच्चा जो तने का है वो तो रुक गौ बहु भौजी को देख के, नहीं तो अबे अपने का जब बहुत मजा आ तो और आगे। लेकिन मोनू भाई हमें इतना मजा यहीं आया कि अब गांव में जाने का मन नहीं है, ऐसा करते हैं अपन लोग, चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है चलो ठीक है चलते हैं।